आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि विगत परीक्षाओं में इनका कट ऑफ क्या गया था, कितने नंबर का पेपर होता है, किस पेपर में क्या क्या सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग जो विगत 2018 में आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा हुई थी, जिसमें वैकेंसीज की डिटेल क्या थी, इन सब पर बात करेंगे कि उनका कट ऑफ क्या गया था, जोन वाइज सारी चीजों को, कट ऑफ को देखेंगे, वैकेंसीज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर वैकेंसी क्या थी और चीजें क्या थी, तो देखिए अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो ये आरआरबी एएलपी का जो कट ऑफ था ये सीबीटी 2 का कट ऑफ था। अब सर सीबीटी 1 का कट ऑफ कहां है, तो आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। तो जो कट ऑफ बनता है वो सीबीटी 1 के हिस्से नहीं बनता, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक, जिसमें कितने परसेंट किस कैटेगरी में लाने जरूरी थे होते हैं, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जिस भी बच्चे को थोड़ी सी भी कोई इस चीज़ों में जानकारी में ऐसा लगता है कि सर ये जानकारी और होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो आपके पास ये जो कट ऑफ लिस्ट दिख रही है ना, ये इस तरीके से अरेंज की गई है कि सबसे कम का कट ऑफ कहाँ गया था, उसके बाद कट ऑफ कहाँ गया था, तो इस हिसाब से ये जोन वाइज कट ऑफ जो है वो आपके सामने है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले जनरल कैटेगरी का है, फिर उसके बाद ओबीसी का है, फिर उसके बाद एससी का है, फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस 2018 में इंक्लूड नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ को तब यहाँ पर दिखाया भी नहीं गया था। तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था मुंबई जोन का, और यहाँ पर एएलपी के जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 57 नंबर के आसपास था। वही ओबीसी इतना था, एससी कैटेगरी का कट ऑफ ये था, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ मात्र 25 नंबर था। कोलकाता में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को 58 रखा था, फिर ओबीसी जो है वो 38 नंबर गया था, एससी कैटेगरी का कट ऑफ 31 था, जबकि एसटी कैटेगरी सिर्फ 25 नंबर के कट ऑफ पर थी। जैसे जैसे हम लोग जोन में आगे बढ़ेंगे ये कट ऑफ बढ़ता जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, तो बिलासपुर 58, अहमदाबाद 59, चेन्नई 60, चंडीगढ़ 60, रांची 60, सिकंदराबाद 61, भोपाल 66, अजमेर 68, तिरुवनंतपुरम 69। तो ये कुछ कट ऑफ की लिस्ट है जोन वाइज, जहां पर आपको ये भी समझना होगा कि कितनी वैकेंसी पर ये कट ऑफ गए हैं। आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर ओबीसी के कट ऑफ पर बात कर लेते हैं, 50, 44, 55। देखिए चेन्नई में जनरल कैटेगरी और ओबीसी के कैटेगरी के में जो फर्क है वो 5 नंबर का है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ भी यहाँ ठीक ठाक है, 47, 48, 53, 58, 58 और 61। ये ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ है। इसी तरीके ये एससी कैटेगरी का कट ऑफ और ये एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है। आगे की अगर मैं बात करता हूं कि एएलपी का जो एग्जाम पैटर्न है, एएलपी की परीक्षा हो चाहे इसके साथ टेक्नीशियन की परीक्षा हो, इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 नंबर के ही होते हैं, और इनको करने के लिए मात्र 60 मिनट मिलता है। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए, तो प्रत्येक चरण में नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। ये 2018 में भी थी, और अब 2023 जो 5 साल बाद एग्जाम होगा उसमें भी होगी। 2018 में नोटिफिकेशन आया था इसका, सीबीटी 2 जनवरी के आसपास हुआ था सीबीटी 2। यहां पर सीबीटी 2 के पहले पार्ट में अगर बात करें, तो 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न 100 नंबर के ही होते हैं, और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 90 मिनट का। सीबीटी 2 के पार्ट बी में सिर्फ ट्रेड्स होती हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। यहां पर सिर्फ क्या होती है, ट्रेड्स के सवाल होते हैं, ट्रेड्स के ही प्रश्न होते हैं। ये 75 नंबर 75 प्रश्न होते हैं, इनके नंबर भी 75 होते हैं, और इनको करने के लिए आपको जो समय मिलता है वो 1 घंटे का मिलता है। अब ये समझना जरूरी है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर सीबीटी 2 के पार्ट बी में भी क्या नेगेटिव मार्किंग 1/3 की ही होती है। याद रखिएगा, चाहे वो सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 का पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, नेगेटिव मार्किंग हर चरण में हर स्तर पर 1/3 की ही होती है, आप ये याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं एग्जाम के पैटर्न के बाद। एएलपी के सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर होते हैं, क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर की बात कर लेते हैं। तो अगर सब्जेक्ट की बात करें, तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इनको मिलाकर
मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इसके 10 क्वेश्चन। टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए नंबर भी 75 ही अलॉट किए गए हैं, यानी हर एक प्रश्न एक नंबर का होगा और 60 मिनट का समय लगता है। समय की प्रतिबद्धता आपको बहुत अच्छे से समझनी है। 75 क्वेश्चन जिसमें भी मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स भी है, इसको 60 मिनट में करने के लिए आपको मॉक पेपर बहुत अच्छे से लगाने होंगे, मॉक टेस्ट, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा हो कि CBT 1 जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, और अगर इसके क्वालिफाइंग नेचर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40% नंबर की जरूरत होगी, कम से कम इतने नंबर होने चाहिए, और उसके बाद OBC ST कैटेगरी के लिए 30% नंबर की जरूरत होती है, यानी कि 75 का अगर आप 40% निकालोगे तो 15 × 30 नंबर तो आपको चाहिए ही होंगे, 30 नंबर तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ओवरऑल कट ऑफ होता है, ये ओवरऑल क्वालिफाइंग होता है, ऐसा नहीं कि मैथ्स में भी आपको 40% नंबर चाहिए, इंग्लिश रीजनिंग में भी 40% नंबर चाहिए, इसमें भी 40%, ऐसा नहीं। ओवरऑल आपको 40% क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से इसका स्कोर करना पड़ेगा, नहीं 30 नंबर तो लाने ही होंगे CBT 1 में। अच्छा, इसके नंबर से मेरिट लिस्ट का कोई वास्ता नहीं होता है, क्योंकि इसके नंबर फाइनल कट ऑफ में या फाइनल सेलेक्शन में बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ आपको पास करने के लिए होता है, ठीक। अब इसके बाद हम CBT 1 के बाद इसके CBT 2 के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि इसका CBT 2 जो होता है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या चीजें कितने नंबर की आती हैं, समझिएगा। इसके पार्ट ए में जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं उसमें मैथ होती है, रीजनिंग होती है, यहां पर एक चीज ऐड हो जाती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहां पर आपसे साइंस के साथ साथ इंजीनियरिंग के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 3 सेक्शन के साथ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी होता है। ये चारों के चारों सब्जेक्ट में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 100 प्रश्नों में आपके पास 60 मिनट का समय होगा, कितने मिनट का समय होगा, 60 मिनट का, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पर बी की बात कर लेता हूं, पार्ट बी की, कि इसके पार्ट बी में जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड में आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की संख्या इतनी है, और इसका जो समय होता है यहां पर आपके पास 75-90 मिनट्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, 90 मिनट होते हैं, ठीक। और उसके बाद जो ट्रेड के 75 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको 60 मिनट और मिलते हैं। टोटल CBT 2 में पार्ट ए और बी को मिलाते हुए 175 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए टोटल टाइम 90 मिनट यहां पर, 60 मिनट यहां पर अलाउट होता है, तो 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 2.5 घंटे का समय होता है, कितने घंटे का समय। और ये दोनों पेपर एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके पार्ट वन होने के बाद फिर कुछ गैप मिलेगा और फिर पार्ट बी होगा, नहीं, ये एक साथ होगा, आपको ये याद रखना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर वही सेम है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, कि ये कैसे है कि अगर कोई नंबर 3 नंबर का कोई प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आपने गलत किया तो ये तो जाएगा ही जाएगा, साथ में इसका 1/3 और जाएगा, यानी एक नंबर और चला जाएगा, तो टोटल 4 नंबर आपके एक प्रश्न को गलत करने पर जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई प्रश्न एक नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है, ठीक। आगे हम बात करें कि लोको पायलट में 2019 या 2018 जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसी थी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी, तो जनरल कैटेगरी, ये लोको पायलट की, इसमें टेक्नीशियन शामिल नहीं है, ये ALP की वैकेंसी, जनरल कैटेगरी की 14,572 वैकेंसी थी, SC कैटेगरी की 4,234 वैकेंसी थी, ST कैटेगरी की 2175 वैकेंसी थी, OBC की इतनी थी, एक्स सर्विसमैन की इतनी थी, इस बार आपको EWS भी देखने को मिलेगा, तो टोटल वैकेंसी 30,656 थी, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए थी, किसके लिए, असिस्टेंट लोको पायलट। और बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए, तो यहां पर जनरल कैटेगरी की 18,767 वैकेंसी थी, OSC की इतनी थी, ST की इतनी थी, OBC की इतनी, और एक्स सर्विसमैन की 3,420 वैकेंसी, तो टोटल 39,998, लगभग 40,000 वैकेंसी थी, लगभग 40,000 वैकेंसी यहां पर, और इससे पहले लगभग ये मान के चलिए 30,500 वैकेंसी यहां पर, तो लगभग 70,500 टोटल वैकेंसी थी। और इस बार आपको मैं बता रहा हूं कि इस बार भी 60,000 से ज्यादा वैकेंसी आने का पूरा प्लान है,
तो जब 2018 में ये नोटिफिकेशन आया था 70,000 वैकेंसी के लिए जो एलपी और टेक्नीशियन को मिलाकर थी, तो लगभग लगभग 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 48 लाख बच्चों ने इनका फॉर्म भरा था जो कि एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए अप्लाई किए थे। इस बार 60,000 से थोड़ी ज्यादा वैकेंसी के लिए मैं आपको जो गारंटी है वो ये कह सकता हूं कि 60 से 65 लाख बच्चा, ये ज्यादा हो सकता है कम नहीं होगा, कम से कम इतने फॉर्म पड़ेंगे। तो वैकेंसी कम होने के जात फॉर्म ज्यादा पड़ेगा, तो आपको अपने कॉम्पिटिटिव पैटर्न पर फोकस करते हुए मेहनत अभी से शुरू कर देनी है। याद रखिएगा बहुत अच्छा कंपटीशन होगा। आगे की बात करता हूं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जिसकी मैंने बात करी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए भी 30%। अगर इसमें हो सकता है 2023 में कोई बदलाव हो, जो कि संभव नहीं है, संभवतः ये पूरा 2018 के जैसा ही होने वाला है, तो आपको इतने परसेंट नंबर तो क्वालिफाइंग लाने ही होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि ये जो एएलपी का एग्जाम पैटर्न है इसमें टोटल 75 नंबर का प्रश्न है, तो 40% जनरल कैटेगरी वालों के लिए यानी 30 नंबर तो उनको लाने ही लाने हैं। सीबीटी 2 की बात करें कि 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर जनरल कैटेगरी को तो लाने ही है, बाकी सारी कैटेगरी को 30 नंबर तो लाने ही है। और ये आप बड़ी आसानी से सिर्फ मैथ साइंस और एक अन्य सब्जेक्ट से लाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने अच्छे ढंग से पढ़ा हो तब, ठीक है। आगे की बात अगर मैं कर लेता हूं तो आगे जो है ये जो है कट ऑफ था जो सीबीटी 2 का था मैंने आपको दिखाया था, सबसे कम कट ऑफ गई थी भुवनेश्वर जोन के लिए, सबसे कम कट ऑफ। और सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी गई थी, जो मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम दिखाया था उसमें सबसे नीचे जो था तिरुवनंतपुरम की, सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी। सबसे कम कट ऑफ थी भुवनेश्वर की और सबसे ज्यादा कट ऑफ थी तिरुवनंतपुरम की, ठीक। तो आपको अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर देनी है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई सर ये सारी चीजें तो ठीक है, इस बार का फॉर्म और नोटिफिकेशन कब आएगा। सुनिए, अगर मैं इस बार के फॉर्म और नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूं तो इस बार का फॉर्म जो है 15 अप्रैल के बाद, क्योंकि 15 अप्रैल तक एनटीपीसी और सीबीटी और ग्रुप डी वालों को ज्वाइनिंग लेटर देने की पूरी संभावना है, तो 15 अप्रैल के बाद कभी भी, 15 अप्रैल 2030 के 23 के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और विश्वास मानिए कि उस नोटिफिकेशन के 1.5 से 2 महीने में आपका सीबीटी 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, ये 101% है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी, और पढ़ाई करने के लिए आपके पास है एक इस वक्त सुनहरा अवसर, जो कि पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से आपके लिए फाउंडेशन बैच रखा गया है, जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 की कंप्लीट आपको पढ़ाई कराएगा। इसमें सीबीटी 1 का सारा सेक्शन और साथ ही साथ 40 मॉक टेस्ट, साथ में सीबीटी 2 के पार्ट 1 के लिए जिसमें मैथ रीजनिंग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जीके सीए, और इसके साथ इसमें भी इसका 40 मॉक पेपर ये आपको मिलेगा। पार्ट बी में इतनी सारी ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, आरएसी, और इसके भी मॉक पेपर, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी। अब इस कोर्स को लेने के लिए क्या करना है, कैसे आप माई पाठशाला रेलवे एग्जाम तक कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, इस कोर्स का दाम क्या है, सारी बातें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एएलपी का फाउंडेशन बैच है जो कि माय पाठशाला की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, माय पाठशाला एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, और इस वक्त आपको 67% डिस्काउंट के साथ ऑफर किया जा रहा है, यानी कि 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को ये 3 दिन आपके लिए ये डिस्काउंट रहेगा। और इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको जिस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है वो सर कूपन कोड है आपके लिए, सभी के लिए, DIS, कैपिटल डी, कैपिटल आई, कैपिटल एस, और इसके साथ आगे 50 लगा लेंगे, DIS50। इस कूपन कोड को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 67% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास ये दो नंबर है, इंक्वायरी नंबर जिसको मैं बोल देता हूं 9696102411 और 6393125760, इस नंबर पे कॉल करनी है, अभी फोन उठाइए, देर किस बात की है, तुरंत के तुरंत इंक्वायरी के लिए कॉल करिए। अब मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, सर 67% डिस्काउंट तो है लेकिन ये कोर्स मिलेगा कितने में, ठीक है इस पर भी बात कर लेते हैं।
तो 67% डिस्काउंट के बाद महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ये डिस्काउंट के बाद जो 3000 रुपए का कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 972 रुपए मिलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये तभी मिल पाएगा जब आप माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पर कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे DIS50, डिस्काउंट 50, जब आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे की बात में जो है ये सारी चीजें हैं जो आपको ALP की तैयारी में आपकी तैयारी को एक नए अंजाम तक लेकर जाएंगे, बूस्टअप देंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं है, तुरंत फोन उठाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या फिर इस दिए हुए नंबर पर तुरंत फोन घुमाइए और कोर्स को लेकर अपनी पढ़ाई को तुरंत आगे बढ़ाने लगे। ठीक, तो बिना देर किए आपको ये काम करना है। ठीक, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।